तो ये बात है जी मम्मी, आप देखिए वो मेहनती लड़का है वो, और काबिल भी है, एंड आई फील कि हमारी कंपनी को इस तरह के एक एम्प्लॉय की जरूरत तो है। तुम, ये इसलिए तो नहीं कह रहे हो क्योंकि वो अनाया की बहन का हस्बैंड है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन मुझसे अनाया ने रिक्वेस्ट की थी और मुझे लगता है उसकी रिक्वेस्ट पूरी करना मेरा फर्ज है। और वैसे भी वो आर्य साहब हैं, उनकी अभी कोई पोजीशन खाली हुई है ना ऑफिस में। आई फील के इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट। अनाया से रिलेटेड किसी भी रिश्ते के बारे में इतने हसास मत बनो कि सारे उसूल भूल जाओ बेटे। बिलीव मी, अगर वो डिजर्विंग है तो उसको ये जॉब जरूर मिलेगी। वैसे भी कंपनी के ओनर होने के नाते तुम्हारा ये राइट है कि तुम किसी को भी हायर करो। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मुझे एतमाद में लिया। वैसे अगर आप चाहती हैं तो मैं वापस रीज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी आराम करो, हनीमून पर जाओगे तो काम तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। चल, हैव अ लवली डे। सामने कर। अरे अम्मी तो फाइल यहीं भूल गई। हाँ लाओ, मैं दे आता नहीं, आप नाश्ता करें, मैं दे आती हूँ। अम्मी अम्मी अम्मी, आप ये फाइल भुलाई थी अंदर। डोंट कॉल मी अम्मी, आई एम नॉट योर अम्मी, और मुझे तुम्हारे मुंह से ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता कैश कराना शुरू कर दिया है। बहनोई से स्टार्टिंग हुई है और आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे खानदान को जो है फायदे पहुंचाओगी। तुम्हारे जैसी छोटे घरानों की लड़कियां बड़े घरानों में शादी ही इसी मकसद से करती हैं। पूरी दुनिया को रिस्क आपकी कंपनी नहीं दे रही अम्मी। मैंने मुनीब भाई को सिर्फ आपकी कंपनी के लिए रिकमेंड किया ताकि आपको भी बाबा की तरह ये शिकायत ना रहे कि उन्होंने आपकी कंपनी छोड़कर आपके मुखालिफिन की कंपनी को ज्वाइन कर लिया। मैं जानती हूँ आपको अपनी अना कितनी अजीज है, और वैसे भी अगर घर की कंपनी मौजूद है तो फिर बाहर क्यों काम करें? 5-10 लाख तो आप वैसे ही दे देती हैं मदद के लिए, तो आपकी कंपनी में जॉब का होना कोई बड़ी बात नहीं है। Are you done?